क्या बात है, तो आज आइए सूरत को दिखाने के लिए इष्ट की आग में जलना कोई आसान, इष्ट की आग में जलना कोई आसान नहीं, हौसला चाहिए इष्ट की आग में जलना कोई आसान नहीं, हौसला चाहिए लपना जलना। बात आया इसको भी देखिए, पाता है वो अपनी मंजिल, जिसको भी देखिए, जिसको भी देखिए पाता है वो अपनी मंजिल, क्या हम ही रह गए तकलीफ, क्या बात है, कौन है जो मेरे होठों के तबस्सुम, कौन है जो मेरे होठों के तबस्सुम देगा, मैं कहां जाऊं भला जख्म दिखाने, पास आया मुझे तुझको निपाने के लिए, दिल की दुनिया में नई दुनिया की मोहब्बत से वफा तुझे बहाते, ये जहां चीज है मैं दो बुजुर्गों की गुफ्तगू आपके सामने पेश करता हूं, अपनी बात को कर सकता, एक बुजुर्ग का नाम था शफीक पल और एक बुजुर्ग का नाम था जुनून मिश्री। जुनून मिश्री इतने पाए के बुजुर्ग थे कि जब वो दरिया का सफर करते और नमाज का वक्त हो जाता था तो दरिया के ऊपर मुसल्ला बिछा देते थे नमाज पढ़ते, मोहम्मद अली साहब इस बात को सुन उनके लिए एक नसीहत देना शुरू आपने हजरत दोनों मिश्री का मकाम समझ लिया, एक मरतबा दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हुई, बातचीत तबादले ख्याल फिक्र का लेंगे फिक्री लेते, हजरत शफीक बल्ती ने एक सवाल उनके जुन्नून मिश्री से क्या किया, ये जुन्नून मिश्री ये बताओ जब तुम्हारा मालिक तुम्हारा खालिक तुम्हारा क्रिएटर तुमको दौलत देता है सरवर देता है पैसा देता है इनाम देता है पावर देता है मनसब देता है अवार्ड देता है इनाम देता है और जो बतौर इम्तिहान एग्जाम के दौलत सरवर नहीं देता है या मैशत का दरवाजा बंद कर देता है इनाम इकराम देना बंद कर देता है, हजरते सुन्नू मिशन ने फरमाया जब बंदा देता है तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ और जब नहीं देता है ये जवाब सुनने के बाद हजरत शफी पल की मुस्कुरा और फरमाया ये काम तो पल से ठीक है कुत्ते भी मालिक देता है बतौर शुक्राने के तब तुम जाने और जब नहीं मिलता है मालिक के दरवाजे से तो वो खामोशी के साथ सब के साथ ले लेता है। ये काम वो स्वाद बदल दे दोनों किसी को अपना कर आप क्या करें कहा शफीक पल की हाल जानना चाहते हो
शबीर बल्खी का जब माली खाली इनाम देता है, इकराम देता है, दादा सरवा अवार्ड देता है, मनसब उस वक्त जब शबीर बल्खी अपने अंदर खौफ महसूस कर लड़ा बरंदा अपने तक देखो परेशान हो जाता हूं आंखों से आंसू जाते हैं और जब नहीं देता है खुशी और मसलन की बात क्या दिया ने कहा जब देता है घबराता इसलिए आंसू छुपे बहाता हूं दौलत दिया है तो दौलत का हिसाब किताब लेगा, मकान दिया है तो मकान का हिसाब किताब लेगा, फैक्ट्री दिया है तो फैक्ट्री का हिसाब किताब लेगा, मनसब इकतदार दिया है तो मनसब इकतदार का हिसाब लेगा, और जब तक हिसाब लेगा तो रहमान और रहीम बन के नहीं जब बार होता और जब दिया ही नहीं हिसाब किताब क्या उसी से मैं रख करने लगा सर की बात मान जिनके हिस्से में दौलत और सरवत आई है बहुत जब यहाँ आयकर से आप परेशान होते हैं आयकर यहाँ पे आप काम चला लेते हैं लेकिन ईडी से काम चला लेते हैं आयकर से काम चला लेते हैं आप फंसा लेंगे लेकिन वहाँ बलाय का हिसाब कर नहीं करते इसलिए आप इस दौलत के सरबत के मालिक नहीं हैं मुतवल्ली तो अल्लाह ताला ने दौलत का जो इस्तेमाल किया है आप अगर इस्तेमाल करेंगे ये दौलत सरमाया आपके लिए रहमत है वरना ये जहमत जहमत ये तो थी जब अब आइए इमाम जब मालिक तुम्हें देता है तुम क्या करते हो और जब नहीं देता है तो क्या करते हो उनके एक साथी ने कहा कि वो देता है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ वो नहीं देता है तो सब करता हूँ दूसरे साथी से पूछा कि माँ तुम क्या करते हो तो कहा कि मैं दोनों हालत में शुक्रिया क्योंकि सब्र करना तो मजबूरी तकलीफ में सब्र करना मजबूरी है सब्र के अलावा आप कर क्या सकते हैं तो बंदगी का कमाल तो ये है उस तकलीफ में शुक्र अदा करो मालिक तू जिस हाल में रख रहा था तो मैं एक ने जवाब दिया कि मैं तकलीफ में सब्र को पसंद करता हूँ आराम में शुक्र को दूसरे इमाम हुसैन हसन के साथी ने कहा कि मैं दोनों हालत में शुक्र को दोनों ने मिलकर सवाल कहते हैं इमाम हसन से आप क्या आप क्या करते तो हजरत इमाम हसन ने बड़ा आरिफाना बड़ा आशिकाना कहा बिल्कुल हम बंदे हैं हम बंदे हैं हमें पसंद करने के अख्तियार जो चाहता है हम बंदे हैं खुदा के हम बंदे हैं हमें पसंद करने के अख्तियार नहीं पसंद और नापसंद करना ये रब का काम है मेरा हाल ये है अगर तकलीफ है और मेरे रब को पसंद है ए हसन तू सब्र कर मैं साबिर बन जाता हूँ और अगर मेरा रब चाहता है तुम शाकिर हो तो मैं शुक्र करने मेरी कोई मैं हर हाल में रब की पसंद को अपनी पसंद अल्लाह तबारक व तआला हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम مالک و مولا ہمیں اللہ کی مشیت اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے
अर्श भी है मकान तुम पिला।